हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आई एम अगेन विद यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अनसिल पैसेज, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग अनसिल पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विल कम टू नो ऑफ दैट इन दिस वीडियो। कि हम इसमें जानेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या और इसको किस तरह से समझना है पैसेज को, जो कि अनसिल पैसेज दिए जाते हैं इवेलुएट करने के लिए इन द एग्ज़ाम। काफ़ी लॉन्ग पैसेज होते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर को देखना और फिर उनके आंसर्स निकालना उसमें से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुडे आई विल ब्रिंग माय दिस वीडियो हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एक एबिलिटी होती है किसी टेक्स्ट को पढ़ने की, प्रोसेस इट, इसको अच्छे से प्रोसेस करने की, समझने की, एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और इसके मीनिंग को अच्छे से समझने की। एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी, एक किसी की व्यक्तिगत जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट, जो लिखा गया है उसको न सिर्फ रीड करना है बस उसको कॉम्प्रीहेंड करना, अच्छे से समझना है। रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन मीन समझ कर पढ़ना, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ट्रेड्स एंड स्किल्स। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है उसके जो ट्रेड्स होते हैं, उसके अंदर जो स्किल्स होती है, जो उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं उसके थ्रू। वन ऑफ विच इज द एबिलिटी टू मेक इंटरफेसेस, और इन्हीं में से एक क्वालिटी है इंटरफेस करना, मीन्स उसको अच्छे से समझना। इफ वर्ड रिकॉग्निशन इज डिफिकल्ट, अगर वर्ड को देखना पहचानना बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स यूज टू मच ऑफ नियर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी का यूज करना पड़ता है टू रीड इंडिविजुअल वर्ड्स, अलग अलग शब्दों को पढ़ने के लिए। विच इंटरफेसेस इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड वॉट इज रीड, और ये क्या करती है उनको अलग कर देती है उनकी उस क्वालिटी से कि जो लिखा गया है उसको अच्छे से समझ भी पाए। तो यहाँ पर होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमें किस तरह से अच्छे से समझना है, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं, विल गो विद दोज स्ट्रेटेज। द वेरी फर्स्ट इज मोनिटर कॉम्प्रिहेंशन। मोनिटर कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, लेट्स रीड। दिस टेल्स द स्टूडेंट वॉट ही हैज़ अंडरस्टूड एंड वॉट ही हैज़ नॉट। ये आपको बताएगा जब आपने पैसेज को पढ़ा उस पैसेज को, तो आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, तो ये रहेगा मोनिटर कॉम्प्रिहेंशन। मोनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन हेल्प स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वेज, ये दो तरीके से स्टूडेंट की हेल्प करता है। बींग अवेयर ऑफ वॉट स्टूडेंट अंडरस्टैंड, कि बच्चे को बताता है, उसे अवेयर करता है कि उसको कितना पैसेज समझ में आया। अनदर थिंग कि इट इंडिकेट वॉट ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड, ये इसे इंडिकेट करता है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी पैसेज में जो उसे समझ में नहीं आई। कई बार क्या होता है कि बच्चे मीनिंग अच्छे से निकाल लेते हैं, कुछ प्रोवर्ब्स आ गई, कुछ इडियम्स आ गए या कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं, तो बच्चे उनका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मीन जो समझना चाह रहे थे पैसेज जिसके बारे में था, उसके बारे में ना समझ कर कोई दूसरा मीनिंग निकाल लेते हैं, तो ये रहेगा मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड हेडिंग रहेगी आपकी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मीन्स सोचना, जो आपने सोचा उसके बारे में सोचना। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन मीन्स उस विचार को जो मीनिंग आपने निकाला है, क्या एग्जैक्टली में वही मीनिंग था। दिस स्ट्रेटेजी हेल्प द फॉलोइंग वेज, ये जो स्ट्रेटेजी है ये किस तरह से हेल्प करती है स्टूडेंट की। लेट्स सी, इंडिकेट वेयर डिफिकल्टी ओकर्स, ये बताती है कि कहाँ पर उनको एक्चुअल डिफिकल्टी आ रही है, फ्रेजल वर्ड्स में यानी किसी प्रॉब्लम्स को, किसी एडियम को, क्या किसी स्पेशल वर्ड को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंडिकेट व्हाट डिफिकल्टीज, और बताती है कि आखिर वो डिफिकल्टी क्या है। रीफ्रेज द डिफिकल्ट सेंटेंस एंड पैसेज इन दियर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में उस डिफिकल्ट सेंटेंस को या उस पैसेज को जो पैराग्राफ दिया गया है या उस पार्ट को रीफ्रेज करना, दोबारा पढ़ना। री रीड द पैसेज टू अंडरस्टैंड, उसको फिर से देखना। री रीड द पैसेज टू अंडरस्टैंड मोर, और ज़्यादा समझने के लिए उस पैसेज को फिर से पढ़ना। पीक इन टू पैसेज फॉर डाटा दैट माइट रिजॉल्व योर डिफिकल्टी, उस डाटा के साथ पैसेज को देखना समझना जो आपकी डिफिकल्टी के लेवल को रिजॉल्व कर सके, उसको सुलझा सके, उसको आपको समझने में हेल्प कर सके। थर्ड वन इज सिमेंटिक एंड ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर्स, जो इसकी सिमेंटिक है मीन सेंटेंस जो फॉर्मेशन है इसका, जो ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर है उसको किस तरह से समझना है। ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर ऑल्सो नोन एज द नॉलेज मैप, मीन्स आपको कोई मैप दिया जा सकता है, कोई वेन डायग्राम दिया जा सकता है, और उसको किस तरह से आपको समझना है। कॉन्सेप्ट मैप, कोई कॉन्सेप्ट मैप दिया जा सकता है, स्टोरी मैप हो सकता है। कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर मीन्स जिसको आपको समझना पड़े, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और कॉन्सेप्ट डायग्राम हो सकता है। इज ए कम्युनिकेशन टूल दैट यूजेज
विजुअल सिंबल, जिसमें आपको विजुअल सिंबल्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू आपको पैसेज को रीड आउट करके उसके आंसर्स को देना होता है। टू एक्सप्रेस नॉलेज, जिसमें आपके नॉलेज का पता चलता है, कॉन्सेप्ट क्या था उसके समझ होनी चाहिए, थॉट क्या दिया गया है, आइडिया क्या है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और वो जो दिए गए हैं पिक्चर है, जो विजुअल आपको दिया गया है उसका क्या रिलेशन है आपके क्वेश्चन से। तो सम गुड एग्जाम्पल्स फॉर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आर, जो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के, वो होते हैं वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम बना लेना उसके लिए। सेकंड, स्टोरी बोर्ड या चेन ऑफ इवेंट्स, जो अलग अलग इवेंट्स हुए उनको एक लाइन में लिख लेना या उनकी एक स्टोरी बना लेना, स्टोरी मैप, एक उसका दिमाग में उस स्टोरी का एक कंप्लीट मैप हमारे तैयार हो जाए। कॉज और इफेक्ट, आखिर उसमें अगर कोई फैक्ट था तो उसके क्या क्या कॉज थे, कोई इवेंट थी उसके क्या कॉज थे, उसके क्या इफेक्ट्स हुए, उनको ध्यान में रखना। नाउ क्वेश्चन, नाउ हेडिंग नंबर इज 4, क्वेश्चन आंसरिंग। अब इसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हमने देने हैं वो किस तरह से हेल्प करेंगे। दिस कैन हेल्प बिकॉज इट कैन, ये भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ रीडिंग द पैसेज, जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक पैसेज का मोटिव मिल जाता है कि आखिर हमने उस पैसेज को क्यों पढ़ना है, कौन से आंसर क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। गिव एम्फेसिस ऑन वॉट दे आर गोइंग टू लर्न, और ये उसी चीज़ पर एम्फेसिस करता है जो वो सीखना जा रहे हैं। एंड असिस्ट स्टूडेंट टू थिंक इन एक्टिव फैशन एज दे रीड, जैसे ही वो उसको रीड कर रहे होते हैं वो एक्टिव फैशन होते हैं, मीन्स उनका उन्होंने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो अपने आंसर को सर्च कर रहे होते हैं। देन एंडोर्स स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर कॉम्प्रीहेंशन, और अपने कॉम्प्रीहेंशन को और ज़्यादा समझने के लिए उनको हेल्प करते हैं। असिस्ट स्टूडेंट्स फॉर रिव्यूइंग द कंटेंट एंड फॉर देयर इंटरफेरेंसेस इन्फेरेंसेज, और जो स्टूडेंट्स हैं वो रिव्यू करते हैं अपने कंटेंट को, एक बार फिर से देखते हैं कौन से आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं। नाउ फिफ्थ हेडिंग इज क्वेश्चन जनरेशन, क्वेश्चन को किस तरह से जनरेट किया जाए। तो यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट लर्न इफ दे आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट दे आर रीडिंग, कि वो इस काबिल हो जाते हैं कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है, एंड व्हाट दे आर रीडिंग, और वो क्या पढ़ रहे हैं, वो इसकी एबिलिटी बच्चों के अंदर आ जाती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। दे लर्न टू आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चन, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछना सीख जाते हैं। दैट रिक्वायर थिंकिंग अबाउट मोर देन वन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हेल्प करता है उनको एक पार्ट की इन्फॉर्मेशन को सोचने के अलावा, एंड कंबाइन दिस इन्फॉर्मेशन, और दूसरी इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एकदम कंबाइन करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है और किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्यों ज़रूरी है, क्यों इनका यूज किया जाता है एग्ज़ाम में, ताकि बच्चों की जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। सो दीज आर दिस विल नाउ विल गो विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लेट स्टार्ट विद एग्जाम्पल। सी टाइप्स ऑफ पैसेजेस, की जो अनसेट पैसेजेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पैसेजेस विच हेल्प टू टेस्टिफाई द रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन। जब दो तरह के पैसेजेस होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने में उनके एग्ज़ाम टाइम में, और भी उनको हेल्प करते हैं मीन्स ताकि जल्दी से वो अपने जो है आंसर्स निकाल सकें अनसेट पैसेजेस में से। तो वो कौन कौन से होते हैं, दे आर फैक्चुअल पैसेजेस एंड द सेकेंड वन इज डिस्कर्सिव पैसेजेस। लेट्स कम टू नो अबाउट दिस पैसेजेस इन डिटेल। वेर फर्स्ट इज फैक्चुअल पैसेज। अब ये फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, अ फैक्चुअल पैसेज कंटेन्स 300 टू 350 वर्ड्स। इस पैसेज में 300 से 350 के करीब वर्ड्स होते हैं। इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, एक पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। इन विच, जिसमें सम इंफॉर्मेशन इज एडेड, कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है अलॉन्ग विद द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उनके साथ साथ जो फिजिकल बाकी डिटेल्स को भी इसमें ऐड किया जाता है। अ गुड फैक्चुअल पैसेज डिस्क्राइब्स द रीडर, जो एक अच्छा फैक्चुअल पैसेज होता है वो रीडर को डिस्क्राइब करता है टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। वो हेल्प करता है रीडर को कंपेयर करने में, कॉन्ट्रास्ट करने में, मीन्स किस तरह से एक दूसरे दोनों चीज़ें की जो फैक्ट्स हैं वो किस तरह से कंपैरिजन में काम आएंगे, वो कंपेयर कर सकता है दो डिफरेंट फैक्ट्स को, वो उनको कॉन्ट्रास्ट देख सकता है उनके बीच में, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है रिगार्डिंग फैक्ट्स डाटा या कुछ भी जो डाटा दिया गया है पैसेज में फैक्ट्स दिए गए हैं उनका कंपेरिजन या कॉन्ट्रास्ट कर सकता है।
A student learns to get a comprehensive view of the subject. इसके थ्रू एक स्टूडेंट सीख सकता है कॉम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स अपने सब्जेक्ट के बारे में उनको एक क्लियर कट आइडिया होता है. ही डिस्कसेस टू इम्प्रूव हिज मेंटल एबिलिटी, और इसके को डिस्कस करने से, इसको पढ़ने से उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है. देर आर इंस्ट्रक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड रिपोर्टिंग पैसेज इन इट. और फैक्चुअल पैसेज में थ्री तरह के पैसेजेस इंक्लूड होते हैं, इंस्ट्रक्टिव जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डिस्क्रिप्टिव जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एंड रिपोर्टिंग जिसमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ पैसेजेस आर डिस्कर्सिव पैसेजेस. डिस्कर्सिव पैसेज, अ डिस्कर्सिव पैसेज कंटेन्स अ टेक्स्ट, इसमें एक ऐसा टेक्स्ट इंक्लूड होता है विच ईदर आर्गुमेंटेटिव और इंटरप्रिटेटिव, जो कि आर्गुमेंटेटिव मीन्स किसी तर्क पर डिपेंड करता है, इंटरप्रिटेटिव जिसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की जाती है, और पर्सुएसिव इन नेचर या किसी पर्सुएट करने वाला होता है इसका नेचर. दे मे ऑल्सो इंक्लूड ओपिनियंस और फीडबैक, इसमें अपने मत या फीडबैक जो हम रिएक्शन देते हैं किसी थिंग के प्रति, किसी फैक्ट के लिए, वो दिया जाता है डिस्कर्सिव. ऐसे डिस्कशन जो पैसेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं. द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू अ कंक्लूजन थ्रू दियर रीजनिंग पावर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की डिस्कर्सिव पैसेज स्टूडेंट्स की रीजनिंग पावर को इंक्रीज करते हैं. तो जब इस पैसेज को पढ़ा जाता है तो स्टूडेंट्स किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वो किसी टॉपिक का, किसी फैक्ट्स का, किसी डाटा को देखकर उसका कंक्लूजन निकालने के की एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है. रादर देन इंट्यूशन मीन्स वो अपनी जो मीन्स सेंसेस के बेसिस पर नहीं, बल्कि एक रीजनिंग पावर के थ्रू वो कंक्लूजन निकालते हैं. एक लॉजिकल कंक्लूजन मीन्स दे कैन प्रेजेंट. दे डिस्कस द सब्जेक्ट टू विच अ बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच. वो सब्जेक्ट को इस तरह से डिस्कस करते हैं, मीन जो भी सामने टॉपिक आता है, जो डाटा आता है, सर्वे आता है, उसको इस तरह से डिस्कस करते हैं ताकि वो एक बैलेंस्ड और एक ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पर पहुंच सके जो कि अनबायस्ड होता है. नाउ लेट सी द एग्जांपल ऑफ अनसीन पैसेज. डायरेक्शंस आर देयर. रीड द फॉलोइंग पैसेज टू आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे द इंस्ट्रक्शन इज देयर कि आपको इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन फॉलो दिए गए हैं नीचे उनको आंसर देना है. सम वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर प्रिंटेड. कुछ वर्ड्स और फ्रेजेज को प्रिंटेड किया गया है, बोल्ड उसमें लेटर में लिखा गया, बोल्ड प्रिंट किया गया है, ज़्यादा बोल्ड कर दिया गया उनको, टू हेल्प यू लोकेट देम वाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन. जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने देते समय. नाउ सी द पैसेज. इन अ स्मॉल हिल टाउन देयर लिव्ड अ थीफ. एक छोटा सा पहाड़ी वो था, शहर था, वहाँ पर एक चोर रहता था. ही वॉज वेरी स्मार्ट. वो बहुत ही चालाक था. एंड बिफोर ब्रेकिंग इन टू हाउसेज, घरों में घुसने से पहले, फॉर थेफ्ट चोरी के लिए, ही यूज टू इंक्वायर. वह इंक्वायरी करता था, पूरी तरह से छानबीन करता था अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दैट हाउस. उस घर में जो लोग रहते थे उन लोगों के रहने के लाइफ स्टाइल, उनके रहने सहने के तरीके, बोलने के तरीके की पूरी तरह से वो क्या करता था, इंक्वायरी करता था, जाँच पड़ताल करता था. देन एट द डेड ऑफ द नाइट, और जब रात का अंधेरा बहुत चुका होता था, सारे सो रहे होते थे, ही यूज टू कमिट थीफ. वो अपनी चोरी करता. धनपत राय वॉज अ मनी लेंडर लिविंग इन द सेम टाउन. और उसी शहर में एक मनी लेंडर था, एक मनी लेंडर था मीन्स पैसे उधार देता साहूकार. एक दूसरा नाम क्या था, धनपत राय नाम का व्यक्ति रहता था जो कि एक साहूकार था. ही वॉज थ्रिफ्टी एंड नेवर वेस्टेड मनी. वो काफ़ी कंजूस था, थ्रिफ्टी कंजूस था, नेवर वेस्टेड मनी, कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करता था. तो अब क्या हुआ, ही हैड अ डॉटर नेम्ड लक्ष्मी. उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था. द थीफ न्यू दैट धनपत राय, अब ये चोर था जो, क्योंकि तो पहले ही इंक्वायरी कर लेता था, तो वो जानता था दैट धनपत राय वॉज रिच, कि धनपत राय बहुत अमीर था. एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी विद हिम, कि उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी हैं, मीन्स बहुत सारे गहने उसके पास. स्मार्टली द थीफ फाउंड आउट द लोकेशन ऑफ द हाउस. स्मार्टली, बड़े ही चालाकी से उस चोर ने क्या किया, फाउंड आउट द लोकेशन ऑफ द हाउस, घर की लोकेशन का पता लगा लिया. एंड डिजाइन द थेफ्ट, और चोरी का उसने प्लानिंग बना ली. वन नाइट, एक रात, गेटिंग अप टू द रूफ ऑफ द हाउस, जब वो घर की छत पर चढ़ा, ही स्टार्टेड रिमूविंग द रूफ कवरिंग मेड ऑफ अर्दन टाइल. जो मिट्टी की टाइल से बनी हुई थी रूफ कवरिंग, उसको उसने मीन्स रिमूव करना स्टार्ट किया. द मनी लैंडर हर्ड द साउंड. अब साहूकार ने यह आवाज़ सुनी. एंड वॉज श्योर दैट अ थीफ वॉज ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और उसे यकीन हो गया कि थीफ
घर की छत पर था। नाउ ही हैड टू क्रिएट सम प्लॉय, अब उसको क्या करना था, कोई योजना बनानी थी, प्लानिंग करनी थी। ही हिट अपॉन अ प्लान, और उसने उसी वक्त एक प्लानिंग की, मीन्स जो अपने दिमाग में सोच विचार किया। लक्ष्मी लक्ष्मी, ही कॉल्ड आउट टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को बुलाया। हु वॉज स्लीपिंग, जो सो रही थी। लक्ष्मी आई होप अवर मनी बॉक्स एंड ज्वेलरी आर कैप्ट इन द सीलिंग, मुझे लगता है कि हमारा जो मनी बॉक्स और ज्वेलरी है वो सीलिंग ऊपर जो छत होती हैं उसमें रखे हुए थे। एंड ही आस्क क्लेवरली, उसने बड़ी चालाकी से कहा। जनरली इन अ हिल एरिया, जो हिल एरिया होता है, टू कीप हाउस वार्म इन विंटर, घरों को गर्म करने के लिए सर्दियों में, हाउसेज हैव अ थेटर्स रूफिंग, एक मतलब घास फूस की रूफिंग होती है, छत होती है। एंड बिलो दैट, और उसके नीचे अ वुडन सीलिंग, एक वुडन सीलिंग होती है, मीन्स लकड़ियों की सीलिंग होती है, छत बना दी जाती है। सर्टन थिंग्स यूज टू बी कैप्ट इन द स्पेस, और कुछ ये चीज़ें रखी जाती है कुछ स्पेस का, मीन्स गैप करके, कुछ स्पेस छोड़ के, बिटवीन द रूफिंग एंड वुडन सीलिंग, रूफिंग और वुडन सीलिंग यानी छत और वुडन जो सीलिंग बनाई जाती है उनके बीच में स्पेस बना के। सो व्हेन द थीफ हर्ड, और जब थीफ ने ये बात सुनी, द क्वेश्चन पुट बाय धनपत राय, जो धनपत राय ने क्वेश्चन बोला था कि शायद वहाँ पर रखा हमारा ज्वेलरी बॉक्स, ही थॉट, उसने सोचा दैट देयर वॉज अ सीलिंग बिलो, कि इस केन इस थेटेस्ट रूप के नीचे क्या है, एक सीलिंग है, वुडन सीलिंग है। सो ही जंप डाउन, इसलिए उसने क्या किया, एकदम से जंप डाउन, नीचे की तरफ छलांग लगाई। बट एक्चुअली इन द हाउस, लेकिन हकीकत में क्या था, उस घर में देयर वॉज नो वुडन सीलिंग, कोई भी वुडन की सीलिंग नहीं थी। सो द थीफ फेल टू द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वो एकदम से जैसे उसने छलांग लगाया वो सीधा घर के फर्श पर आकर गिरा, विच वॉज अबाउट 15 feet बिलो एंड ब्रोक हिज लेग, जो कि करीब 15 feet नीचे था फर्श छत से, और उसकी क्या हो गई, चोर की एक टांग टूट गई। इमीडिएटली द मनी लेंडर, उसी वक्त मनी लेंडर कॉल्ड ऑल द नेबर, सारे पड़ोसियों को उसने बुलाया। दे हैंडेड ओवर द थीफ टू द पुलिस, उन्होंने सबने मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। ही सेव्ड हिज हाउस फ्रॉम बीइंग बर्बल्ड, और उसने अपने घर को चोरी होने से बचा लिया विद हिज इंजेन्यूटी, अपने इंटेलिजेंसी की वजह से। नाउ सी द क्वेश्चंस आर देयर एंड सम ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन when you after reading the question. Now question number 1, what was the role of Lakshmi in this episode, is episode mein Lakshmi ka role kya tha? She called people and scared the thief. Option A. Option B, Lakshmi sent the people for police. She asked Dhanpat Rai to call the police. Her name was used to misguide. She got the idea of fooling the thief. Means 5 options are there, A, B, C, D, E. And we have to choose the correct one option. She called the police and scared the thief. Usne police ko bulaya aur chor ko daraya. First option, A option is this. B option, Lakshmi sent the police for Send the people for police, लोगों को भेजा पुलिस को बुलाने के लिए। She asked धनपत राय to call the people, धनपत राय को कहा लोगों को बुलाने के लिए। Her name was used to misguide, उसका नाम यूज़ किया गया चोर को misguide करने के लिए। She got the idea of fooling the thief, चोर को मूर्ख बनाने की आइडिया उसका था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि लक्ष्मी का यहाँ पर जो यूज़ था वो लक्ष्मी नेम का जो यूज़ किया था वो धनपत राय ने किया था टू मिसगाइड द थीफ, थीफ को मिसगाइड करने के लिए। मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द थीफ एंटर द हाउस ऑफ धनपत राय, धनपत राय के घर में चोर किस तरह से घुसा। 3 तरीके के वेज बताए गए हैं, बाय रिमूविंग द टाइल टॉप ऑफ द हाउस, हाउस की जो टाइल टॉप था उसको रिमूव किया करके, बाय रिमूविंग द वुडन सीलिंग, वुडन सीलिंग को रिमूव करके, बाय ओपनिंग द डोर विद डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट की से डोर को ओपन करके। 3 ऑप्शंस हैं ये, तो यहाँ पर जो 3 वेज इन्होंने बताए हैं तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे हमारे ए बी सी डी ई। 5 ऑप्शंस आर अगेन देयर, ओनली ए कि उसने क्या था, टाइल जो टॉप टाइल टॉप था उसको रिमूव करके अंदर घुसा था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज ओनली 2 कि उसने वुडन सीलिंग को रिमूव करके अंदर आया चोर। और सी, ओनली सी, बाय ओपनिंग द डोर विद डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट की का ऑप्शन उसने यूज किया था। तो डी रहेगा, बोथ ए एंड बी, वुडन सीलिंग को तोड़कर और जो टाइल टॉप थी उसे तोड़कर वो अंदर आया था। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इन 5 ऑप्शंस में से रहेगा क्योंकि उसकी थेटेस्ट रूप नहीं थी, थेटेस्ट रूप थी और उसने क्या किया था, टाइल टॉप जो था उसे तोड़कर चोर अंदर घुसा था। तो इसका आंसर रहेगा ओनली 1 वे इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द ज्वेलरी एक्चुअली कैप्ट, ज्वेलरी कहाँ पर, एक्चुअल में ज्वेलरी कहाँ पर रखी थी। इनसाइड द बेड ऑन विच लक्ष्मी वॉज स्लीपिंग, ऑन द थेटेस्ट रूप टॉप,
बिलो द पिल्लो ऑफ धनपत राय देयर इज नो मेंशन ऑफ ज्वेलरीज लोकेशन और नन ऑफ दीज. अगेन फाइव ऑप्शंस आर देयर एंड यू हैव टू चूज वन. इनसाइड द बेड विथ ऑन विच लक्ष्मी वॉज स्लीपिंग, जिस बेड पर लक्ष्मी सो रही थी क्या उस बेड के अंदर थी. ऑन द थटेस्ट रूप, किसी उस थटेस्ट रूप के पर छिपी हुई थी ज्वेलरी. और बिलो द पिल्लो ऑफ धनपत राय, धनपत राय के गद्दे के तकिए के नीचे थी. देयर इज नो मेंशन ऑफ ज्वेलरी इन द ज्वेलरीज लोकेशन. इस पूरे पैसेज में ज्वेलरी के लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि उसकी ज्वेलरी के लोकेशन के बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर फोर. व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द थीव, थीव की क्वालिटी क्या थी. थीव की क्वालिटी क्या थी, ही वाज एक्सपर्ट इन रिमूविंग रूफटॉप्स, रूफटॉप्स को रिमूव करने में वो एक्सपर्ट था. ऑप्शन बी, बिफोर थेफ्ट ही यूज टू स्टडी द लाइफ स्टाइल ऑफ द रेजिडेंट्स, यानी जिस घर में वो चोरी करता था उसके जो रेजिडेंट्स थे, रहने वाले थे, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में वो पता लगा लेता था चोरी से पहले. ऑप्शन सी, ही वॉज एक्यूरेट इन आइडेंटिफाइंग हिज विक्टिम, अपने विक्टिम को, जिस मीन्स अपने शिकार को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में वो बहुत ही पक्का था. और ऑप्शन डी, ही वॉज लाइक बाय द पीपल एंड द पुलिस, लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा उसको पसंद किया जाता था. एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज. तो हमारा जो आंसर रहेगा इन सभी में से, वी हैव टू चूज द करेक्ट वन. कि हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द थीफ, थीफ की क्वालिटी क्या थी. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द क्वालिटी ऑफ द थीफ इज दैट, कि वो क्या करता था, जो रहने वाले लोग थे, रेजिडेंट्स थे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उन लोगों के तरीके के बारे में, वो किस तरह का जीवन जीते गए हैं उसके बारे में वो इंक्वायरी कर लेता था. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. बिफोर थेफ्ट ही यूज टू स्टडी द लाइफस्टाइल ऑफ रेजिडेंट्स. नाउ कॉमन क्वेश्चन नंबर फाइव. विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंट्रोड्यूसेस धनपत राय, विच ऑफ़ द फॉलोइंग, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी धनपत राय को अच्छे से इंट्रोड्यूस करती हैं, हमें बताती हैं धनपत राय के बारे में सबसे अच्छे तरीके से. ए, ही वॉज अ थीफ्स फादर, वो थीफ का, चोर का फादर था. ऑप्शन बी, ही वॉज द मनी लैंडर हु यूज टू कीप वैल्यूएबल्स ऑन द रूफ, वो एक मनी लैंडर था, साहूकार था, जो वैल्यूएबल्स कीम, जो कीमती चीज़ें थी वो घर की छत पर छिपा कर रखता था. एंड ऑप्शन सी, ही वॉज अ कनिंग एंड क्राफ्टी मैन, वो एक चालाक और क्राफ्टी मीन्स बहुत ही क्लेवर पर्सन था. एंड ऑप्शन डी is he was Lakshmi's father, कि वो लक्ष्मी का फादर था. एंड ऑप्शन ई, ही वॉज द थीफ, कि वो चोर था. तो धनपत राय के बारे में जो एक्यूरेट हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी थी, लक्ष्मी थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को लेकर चलते हैं कि वो थीफ का फादर था तो वो नहीं हो सकता. ऑप्शन ए इज़ द रोंग. एंड ही वॉज मनी लेंडर, ये बात सच है, लेकिन क्या वो रूफ टॉप पर अपने पैसे छिपा कर रखता था, इट इज़ नॉट मैंशन देयर, ये मैंशन नहीं है तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे. ही इज़ कनिंग एंड क्राफ्टी मैन, वो व्यक्ति वो था लेकिन चालाक था. लेकिन वो क्या, ही वॉज लक्ष्मीज़ फादर, जो बेस्ट इंट्रोड्यूस करता है वो क्या है कि लक्ष्मी उसकी बेटी थी, इट इज़ मैंशनड देयर. तो ये क्या रहेगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. हु कॉल्ड द पुलिस, पुलिस को किसने बुलाया. धनपत राय सन, धनपत राय के बेटे ने, धनपत राय डॉटर, धनपत राय की बेटी ने, धनपत राय हिमसेल्फ, धनपत राय ने खुद बुलाया. और someone who provoked the thief for the act, या उसने, जिसने thief को मिंजिए काम करने के लिए प्रोवॉक किया. और not mentioned in the passage, और इस passage में इसको mention नहीं किया गया है. तो फाइव options हैं कि पुलिस को किसने बुलाया था. तो ये रहेगा कि धनपत राय के बेटे ने नहीं बुलाया था क्योंकि उसकी एक बेटी थी, ऑप्शन गलत रहेगा. धनपत राय डॉटर, उसकी बेटी ने भी नहीं बुलाया था. धनपत राय हिमसेल्फ, धनपत राय ने भी उसे नहीं बुलाया था क्योंकि जो पैसेज में मेंशन किया गया है वो इस तरह से है कि वो जैसे ही छत से नीचे गिरा, मीन्स वेन वी सी द पैसेज विल सी कि जैसे ही वो छत से नीचे गिरा, फेल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विच वॉज अबाउट 15 feet बिलो एंड ब्रोक हिज लेग. इमीडिएटली द मनी लेंडर कॉल्ड ऑल द नेबर्स, उसने क्या किया था, सारे पड़ोसियों को बुलाया था. एंड दे हैंडेड ओवर द थीफ टू द पुलिस, और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले किया था. मीन्स यहाँ पर इस पैसेज में मैंशन नहीं है कि पुलिस को किसने बुलाया था. तो ऑप्शन वी ई विल बी द करेक्ट आंसर, कि नो मैंशन इन द पैसेज, पैसेज में इसका मैंशन नहीं किया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन. विच क्वालिटी ऑफ धनपत राय प्रोटेक्टेड हिज हाउस, धनपत राय की कौन सी क्वालिटी ने उसके घर को बचा लिया.
हिज थ्रिफ्टी बिहेवियर, उसका जो थ्रिफ्टी बिहेवियर था उसकी वजह से, कंजूस है वो, चालाकी वाला जो बिहेवियर था उसकी वजह से, हिज डीप अफेक्शन फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए उसका बहुत ज़्यादा प्यार इसकी वजह से, और द क्लेवरनेस विद विच ही हैंडल द सिचुएशन, और वो चालाकी जिससे उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया, और हिज फास्ट डिसीजन ऑफ नॉट थटचिंग द रूफ, या उसका कोई पहले डिसीजन उसने लिया था कि रूफ को उसने थटच नहीं, रूफ बनाना है ये डिसीजन, और नन ऑफ द दीज, और इनमें से कोई भी नहीं. तो मीन्स ये जो फाइव ऑप्शन हैं ए बी सी डी ई, वी हैव टू चूज वन, एंड दैट द करेक्ट आंसर इज कि उसकी जो क्लेवरनेस थी, चालाकी थी, जिसकी वजह से उसने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया, जैसे उसने सुना चोर को रिमूव करते हुए टाइल टॉप को, और उसने उसी वक्त क्या क्या ही थॉट ऑफ अ प्लान. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द थीफ चूज धनपत राय's हाउस फॉर द एक्ट, आखिरकार उस चोर ने धनपत राय के घर को ही क्यों चुना चोरी के लिए, मींस इस काम के लिए. ऑप्शंस आर अगेन देयर, फाइव ऑप्शंस आर देयर. ऑप्शन ए, देयर वाज हार्डली एनी हाउस लेफ्ट इन द टाउन फॉर थेफ्ट, कि शहर में कोई एक ऐसा घर बचा था जिसमें चोरी ना हुई हो. देन सेकंड बी, धनपत राय वाज लिविंग विद हिज डॉटर, धनपत राय अपनी बेटी के साथ रहता था. सी, द हाउस डिड नॉट हैव वुडन सीलिंग, कि इस घर में कोई वुडन सीलिंग नहीं थी. एंड ऑप्शन डी, ही हैड द इन्फॉर्मेशन देन धनपत राय वॉज रिच, कि उसके पास इन्फॉर्मेशन थी कि धनपत राय कैसा है, अमीर आदमी था, और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं. तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि उसने अच्छे से इंक्वायरी किया था घर को कि धनपत राय किस तरह का एक मनी लैंडर है और वो क्या है कि रिच मैन है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि उसके पास इन्फॉर्मेशन थी कि धनपत राय एक अमीर व्यक्ति है, इसलिए उसने चोरी के लिए उस घर को चुना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सच है. द डॉटर ऑफ धनपत राय वॉज टू वीक टू हैंडल द थीफ, वो इतनी कमजोर थी कि वो उस चोर को हैंडल नहीं कर पाई या नहीं कर सकती थी. और बी, द पीपल ऑफ द टाउन डिड नॉट लाइक धनपत राय, जो शहर के लोग थे धनपत राय को पसंद नहीं करते थे. ऑप्शन सी, धनपत राय प्लेड अ ट्रिक विद द थीफ, उसने चोर के साथ एक ट्रिक, एक चाल खेली. एंड डी, धनपत राय डिड नॉट हैव मनी फॉर वेस्टेज, पैसे बर्बाद करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे धनपत राय के पास. और ई, लक्ष्मी रश्ड आउट एंड गैदर द पीपल, लक्ष्मी बाहर भागी और उसने लोगों को इकट्ठा किया. तो इनमें से कौन सा जो है बेस्ट एक्सप्लेन करता है धनपत राय के बारे में, तो ये रहेगा कि धनपत राय की ये नहीं हो सकता कि उसकी बेटी इतनी कमज़ोर थी कि वो उसे हैंडल ना कर सके. और फिर रहेगा कि धनपत राय को लोग पसंद नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं है क्योंकि जैसे ही वो हंगामा हुआ, शोर हुआ, चोर नीचे गिरा तो सभी लोग वहीं इकट्ठे हो गए थे और उन लोगों ने ही धन जो है चीफ थीफ को हैंड ओवर किया पुलिस को. धनपत राय प्लेड अ ट्रिक विद द थीफ, ये बिल्कुल सही है कि धनपत राय ने एक चाल चली चोर के खिलाफ, एक चाल चली जैसे उसने सुना ही थॉट ऑफ अ प्लान. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द थीफ वुड हैव एस्केप्ड अनहर्ट हैड देयर बीन, कि जो थीफ है वो एस्केप हो सकता था अनहर्ट, बिना चोट खाए, हैड देयर बीन, अगर कुछ होता वहाँ पर. जैसे ऑप्शन ए, डॉग इज द हाउस, की डॉग इन द हाउस, कोई डॉग एक उस घर में होता. या ऑप्शन बी, अ वुडन सीलिंग बिलो द थटेस्ट रूफ, थटेस्ट रूफ के नीचे कोई वुडन सीलिंग होती. और ऑप्शन सी, वेरी फ्यू पुलिसमैन टू कैच हिम, उस को पकड़ने के लिए बहुत कम पुलिस वाले वहाँ होते. और नो अलर्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ धनपत राय, धनपत राय के बेटे ने अगर कोई अलर्टनेस नहीं दिखाई होती, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं. तो हमारे पास जो फाइव ऑप्शंस हैं, आउट ऑफ दिस फाइव ऑप्शंस विल कम टू नो कि डॉग उस घर में नहीं था, वो बच सकता था अगर उस घर में डॉग होता. अब वुडन सीलिंग बिलो द थटेस्ट रूफ, उसने क्यों जंप लगाया, क्योंकि उसे लगा कि थटेस्ट रूफ के नीचे एक वो जो है वुडन सीलिंग है, और इसीलिए उसने सोचा कि वो जंप लगा सकता है, बच सकता है. लेकिन इस तरह का वहाँ पर कुछ भी नहीं था, थटेस्ट रूफ नहीं थी. तो ये ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट रहेगा, अगर वुडन सीलिंग होती तो वो बच सकता था. सो क्लास, हियर द अनसीन पैसेज विद द एग्जाम्पल इज कम्प्लीटेड. वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू.